हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इन इफ्रा के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2009 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 13 से 14 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है, ये कंपनी के हमें यहाँ पे दो वर्टिकल्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो देखिए, जो पाइपलाइन या फिर जो गैस पाइपलाइन होती है या फिर उसके अलावा जो इंफ्रा कंपनीज होती है, तो उनके रिगार्डिंग जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी यहाँ पे सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, तो उन्हें ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने का ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए वोल्टेज स्टेबिलाइजर्स हो गया, इंडक्शन कुक टॉप हो गया, इन्वर्टर्स हो गया, बैटरीज हो गई, सीलिंग फैंस हो गया, तो ये जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती हुई नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मुझे यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल यहाँ पे लगा नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम यूनिक, एक नॉर्मल काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल मुझे यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम ऑब्जेक्टिव की भी अगर हम बात करेंगे, तो कोई ज़्यादा कुछ खास ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आता है। एक नॉर्मली वर्किंग कैपिटल का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे जो आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी के एक्सपेंसिज लगने वाले हैं, वो भी कंपनी इसी में हमें यहाँ पे इसी से यहाँ पे यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए अभिषेक संदीप कुमार अग्रवाल जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। और इसके अलावा संदीप कुमार विश्वनाथ अग्रवाल जी, ये दोनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2021 में लगभग 3 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का नजर आता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 10 करोड़ के लगभग का नंबर नजर आता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसको हमें फोकस नहीं करना चाहिए। अब क्यों फोकस नहीं करना चाहिए? क्योंकि 2021 में अगर आप देखोगे तो कोविड हमें नजर आता है। तो वहाँ पे 2022 में अगर हम देखेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे 6 महीने जो लॉकडाउन था, तो उसकी वजह से यहाँ पे 3 करोड़ का रेवेन्यू, यानी कि लगभग कंपनी उस वक्त 6 से 7 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी करती थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे हम अगर हमको सही से अगर देखना ही है, तो हमने यहाँ पे देखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 2022 से अगर हम 23 की अगर हम बात करेंगे, तो हार्डली यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। एकदम सेम रेवेन्यू का नंबर नजर आता है, 10 करोड़ का नंबर ही यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक क्वार्टर में हार्डली 64 लाख के लगभग का ही नंबर कंपनी का नजर आता है। क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 2.5 से 3 करोड़ के लगभग का ही रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। लेकिन देखिए, हो सकता है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे जो मेनली जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यहाँ पे जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे हाफ ईयर जो सेकंड हाफ ईयर होता है वहां पे कहीं ना कहीं कंपनी का ज्यादा बिजनेस आता होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसका अगर हम यहाँ पे गलत इंटरप्रिटेशन यहाँ पे नहीं निकालेंगे, लेकिन एक जो रेड फ्लैग जो मुझे यहाँ पे एक और कंपनी का नजर आता है वो ये कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे रेवेन्यू एकदम कॉन्स्टेंट हमें नजर आता है, लेकिन लगभग 39 लाख से जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे 99 लाख जाता हुआ नजर आता है। और पिछले साल अगर हम देखेंगे आज जितनी भी ये जो कंपनीज है, मोस्टली अगर आप कंपनीज की अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पे जो ग्रॉस मार्जिन हुई, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, तो उसकी वजह से सबके मार्जिन में थोड़ी हमें दिक्कतें देखने को मिली। तो एक छोटी कंपनी होने के बावजूद यहाँ पे कंपनी के मार्जिन कैसे बढ़ सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे एक बड़ा रेड फ्लैग यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 21 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 26 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 65 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,30,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू शेयर्स की अगर हम बात करेंगे, तो 14 करोड़ 4 लाख रुपये के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 7 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 27 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको 28 को रिफंड मिल जाएगा, 28 को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 29 को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और आपको पता होना चाहिए कि जो 29 दिसंबर है वो ये ईयर का लास्ट हमें यहाँ पे ट्रेडिंग डे देखने को मिलने वाला है। 30 और 31 को वीकेंड रहेगा और 1 जनवरी को फिर से हमें मार्केट ओपन होते हुए नजर आएंगे। अगर हम यहाँ पे एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए लगभग 50 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल अगर हम देखेंगे, अगर हम 1 करोड़ की अर्निंग के हिसाब से अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन निकालेंगे, तो लगभग 50 के लगभग का पी रेशियो यहाँ पे कंपनी का आता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी में अगर हम देखेंगे कुछ तोड़फोड़ यहाँ पे नजर नहीं आता, एक नॉर्मल काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल कंपनी का नजर आता है। कोई ज़्यादा कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ नजर नहीं आती है। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की भी अगर हम बात करेंगे, कंपनी जो फंड रेज कर रही है वहाँ पर भी कुछ मुझे यहाँ पे क्लैरिटी नजर नहीं आती। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से
से नरेश को टोटली यहाँ पे अवॉइड करूंगा। मेरे यहाँ पे कहाँ कहाँ पे पैसा जाने वाला है, देखिए मैं आजाद इंजीनियरिंग में लगाने वाला हूँ, इनोवा कैपटैप करके, ये दो जो मेन बोर्ड आई पी ओज है ये हफ्ते के अंदर, यानी कि जो अगले हफ्ते यानी कि जब ये आई पी ओ रहेगा उस टाइमलाइन के अंदर मेरे ख्याल से ये दो आई पी ओ में अप्लाई करने वाला हूँ। उसके अलावा ऐसे में आई पी ओ में मैं सुप्रीम पावर को अप्लाई करने वाला हूँ। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये तीन आई पी ओ में मेरा फोकस रहने वाला है। उसके बाद में अगर कुछ मुझे रिस्क लेना रहेगा तो मैं समीरा एग्रो के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ, लेकिन मोस्टली मेरा समीरा एग्रो अवॉइड ही रहने वाला है। लेकिन ये तो मेरा क्लियर कट अवॉइड ही, मैं इसको अभी ये जो एनालिसिस बना के डाला है उसके बाद मैं ये कंपनी को वॉच नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इन इफ्रा के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।